हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स सुमी। तो पिछले वाले वीडियो पे आप देखे थे कि हम आए हैं वीरभूम तारापीठ माता जी के मंदिर में, उस वीडियो का पार्ट टू है ये। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये फ्लावर्स गार्डन तारापीठ में एक इस्कॉन मंदिर है, राधा माधव जी के मंदिर, वहीं पर ही है ये फ्लावर्स गार्डन। तो मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बाहर से कुछ पिक्चर्स लिए थे हम, वही देख लो आप। वैसे भी वहीं पर जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर है। तो देखो अभी शाम हो रही है और हम निकल गए हैं घूमने के लिए, देखते हैं हम कहाँ पर जाते हैं। सुंदर है और देखो हमारे साथ कान्हा जी भी है। हम जब मंदिर पे आए थे तब संध्या आरती चल रही थी। तो नलटेश्वर मंदिर से हम वापस आके यहाँ पर लाइन पे रुके हैं देवी माता के दर्शन करने के लिए। ये तारापीठ के मेन मंदिर है और यहाँ पर बहुत देर से हम लाइन पे रुके हैं। हम जब लाइन पे आए तब 9 बज रहे थे और जब हम मेन मंदिर के अंदर जब गए तब 12:30 बज रही थी, मतलब रात को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर रात के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ पर जो पुजारी जी है वो कह रही थी कि जितनी भी रात हो जाए फिर भी मंदिर कभी भी बंद नहीं होती है, सारे भक्त दर्शन करने के बाद ही मंदिर बंद होती है रात को। तो वहीं पर हम लाइन पे रुके हैं और यहाँ पर माता जी की पूजा चल रही है। तो अमावस्या है इसीलिए माता जी के धूमधाम से पूजा चल रही है। सब देखो कैसे पूजा कर रही है यहाँ पर, और ये है मंदिर के अंदर के नज़ारे। तो आज है अमावस्या इसीलिए बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर पूजा चल रही है, मतलब हर रोज़ ही धूमधाम से पूजा चलती है लेकिन अमावस्या के दिन स्पेशल है ना इसीलिए। और यहाँ पर तो एक जगह बहुत ही फेमस है, वो जो डेड बॉडीज को जहाँ पर जलाते हैं ना वो जगह, और वो जो काला जादू करती है उन लोगों के लिए तो वो जगह बहुत ही शुभ है। और हम सोचे थे कि हम भी वहीं पर जाएंगे लेकिन बहुत ही रात हो गई थी इसलिए नहीं गए, लेकिन अगली बार जब जाएंगे तब ज़रूर जाएंगे वहीं पर। तो बहुत देर लाइन पे रुकने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एकदम मेन मंदिर के अंदर, कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, बाहर से पिक्चर्स ले सकती है लेकिन अंदर कैमरा नहीं अलाउ करेंगे। और मैं तो दोपहर में एक बार गई थी दर्शन करने के लिए, फिर से एक बार जा रही हूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगर मेरी बस चले तो मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ, मुझे बाहर नहीं जाना है, मंदिर के अंदर ही रहना है मुझे। तो हमारा माता जी के दर्शन करना एकदम अच्छे से हो गई है, दोपहर में तो उतना अच्छे से नहीं हुई थी लेकिन इस बार बहुत अच्छे से हो गई। मतलब दोपहर में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, रात से भी ज़्यादा भीड़ तो दोपहर में थी और रात को थोड़ी बहुत भीड़ थी। और अभी हम इधर से कुछ खाना लेंगे फिर सीधा रूम पे चले जाएंगे, सुबह से इतना ट्रैवल हो गई है ना। और अभी रात के 2 बज रही है और अभी हम रूम पे जा रहे हैं। तो मैं वहीं से क्या क्या खरीदी हूँ वो मैं दूसरे वाली कोई वीडियो पे दिखा दूँगी।
तो अभी हम खाना वगैरह ये सब कुछ ले लिया और रूम पे जाएंगे, डिनर कर लेंगे और फिर सुबह उठ के हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक दिन के लिए आए थे हम यहाँ पर और आज सबसे बिजी डे था। सुबह हम इधर से निकल जाएंगे और ये जगह पे तो हम फर्स्ट टाइम आए और हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए ये जगह। पता नहीं फिर से कब आएंगे हम। आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।